तो गाइज़ वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ गार्लिक ब्रेड, यानी कि स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड, और वो भी कढ़ाई में बिना ओवन के, बिना प्रेशर कुकर के। और ये काफ़ी सॉफ्ट भी बनी है और इसकी टेस्ट तो लाजवाब होती है। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखिए कि काफ़ी सॉफ्ट बना है और इसके अंदर से जो चीज़ है वो बर्स्ट होकर बाहर आ रहा है, मतलब चीज़ बर्स्ट ब्रेड भी आप कह सकते हो। तो फिर चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बड़े कप जितना मैदा ली हूँ, यानी कि व्हीट फ्लोर, और उसमें मैं डाल दे रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, और उसके बाद मैं डाल दे रही हूँ उसमें थोड़ी सी बेकिंग पाउडर, इतना बस। एक जो चम्मच मैं दिखा रही हूँ उतने में से कितना डाली थी आप देख सकते हो, मतलब एक छोटी चम्मच जितना बेकिंग पाउडर, और दो चम्मच जितना दही, दो छोटी चम्मच जितना दही, इसको डाल के मिला लेंगे अच्छे से। और मिलाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी पानी। तो दही डाल लिया मैंने जितना डालना था, अभी मिला लिया है। अभी मैं इसमें पानी ऐड करके इसकी एक डो बनाऊंगी। देखिए इस तरह से डो बनाना, जैसे हमें हम बनाते हैं रोटी के लिए डो, उसी तरह ही बनाना है। और फिर मैं उसमें डाल दूँगी ऊपर से थोड़ी सी रिफाइंड ऑयल, और डाल के इसको मिला लेंगे। और इस तरह से ये देखिएगा, फिर हम इसको एक कपड़े से ढक लेंगे एक से दो घंटा तक, और ये बिल्कुल फूल के अच्छे से, देखिए कितना बड़ा शेप हो गया है इसका, और ये देखिए कितना फ्लफी है और कितना स्पंजी है, उंगली पूरे नीचे तक, मतलब काफ़ी नीचे जा रहा है। अभी इसको चलिए अभी उठाते हैं और इसको वापस से नीट कर लेते हैं, वापस से गूंद लेते हैं। देखिए, और गार्लिक ब्रेड किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद आती है बहुत गार्लिक ब्रेड, इवन इफ बच्चे तो बच्चे, बड़ों को भी बहुत अच्छी लगती है। और इसमें चीज़ होने के कारण इसकी टेस्ट दुगनी हो जाती है, और ये बिल्कुल डोमिनोज वाली टेस्ट लाएगी ये। बिल्कुल आप बनाने के बाद उसको स्मेल करना, थोड़ा सो मतलब उसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल डोमिनोज वाली स्मेल आती है। पूरा अच्छे से आप बनता है कढ़ाई में, और अब बनाने के बाद जानोगे कि इसकी टेस्ट इतनी अच्छी है आप बार बार बनाने को आपको मन करेगा। अभी मैं यहाँ पर कुछ बटर ली हूँ, और बटर में मैं ऐड करूँगी 3 लहसुन की कलियाँ अच्छे से चॉप करके रखी हुई है, उसको डाल दूँगी इसमें। और अभी मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ कोरिएंडर लीव्स, जिसको कि मैंने बारीक काट लिया है, उसको डाल के बटर के साथ अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि हमें इसको जो ब्रेड के ऊपर लगाना है और अंदर भी लगाना है। तो अभी इस तरह से मिला लेंगे हम बटर के साथ। यहाँ पर मैं सल्टेड बटर यूज़ की हूँ, अगर आप बिना सल्टेड बटर यूज़ कर रहे हो तो उसमें थोड़ी सी नमक ऐड कर दीजिएगा। अभी हमारा डो बिल्कुल रेडी है, हम इसको बेल लेंगे। पर उससे पहले हम एक कढ़ाई रखेंगे मीडियम फ्लेम पे, मीडियम एंड हाई मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, और उसके अंदर हम डाल देंगे नमक इस तरह से। ये यूज्ड किया हुआ नमक है, अगर आपके पास नए नमक है तो नए नमक डाल लीजिए, अगर आप पहले बना रहे हो, या फिर अगर आपके पास नमक है तो उसी नमक को आप रीयूज़ कर लो। और उसके अंदर मैं एक लोहे वाला स्टैंड रख रही हूँ, जिसके ऊपर हम वो एक प्लेट रख के फिर ब्रेड रखेंगे। पर अभी हम इसको ढक्कन लगा के थोड़ी सी प्री हीट कर लेंगे, जैसे ओवन होता है ना, ये बिल्कुल ओवन का काम करेगा थोड़ी सी प्री हीट कर देने से। तो अभी ये डो देखिए कितना सॉफ्ट है, हाथ से भी आप ऐसे करोगे तो ये हो सकता है। अभी चलिए हम इसको थोड़ी बेल लेते हैं अच्छे से, इसको पतला नहीं बेलना है आपको, इसको थोड़ा मोटा बेलना है। देखिए मैं आपको दिखाऊँगी इसकी थिक कितना होना चाहिए, इस तरह से आपके थिक होना चाहिए, या फिर और थोड़ी सी आप मोटा भी बेल सकते हो। मैं जितना बेली हूँ ना उससे और थोड़ी सी आप थिक बेल सकते हो, मतलब और थोड़ी सी मोटा करके आप बेल सकते हो। अभी हम इसमें इसके पूरे ऊपर लगा देंगे वो बटर, गार्लिक बटर।
मैं ऐसे करके डाल दे रही हूँ। इस चम्मच से चारों तरफ फैला नहीं जा सकता, तो आप हाथ की मदद से फैला सकते हो या फिर जो ब्रश आता है ऑयल वाला ब्रश, उससे भी आप इसको फैला सकते हो। तो मैं अभी हाथ की मदद से चारों तरफ फैला ली हूँ, और इसके ऊपर आप थोड़ी सी चाहो तो ओरेगानो स्प्रिंकल कर सकते हो, और थोड़ी सी अगर आपको मन करे इसके अंदर डालना है तो आप चिली फ्लेक्स भी थोड़ी सी डाल सकते हो, पर मैं अभी चिली फ्लेक्स ऊपर डालूँगी तो अंदर नहीं डाल रही हूँ। अभी मैं ग्रेटेड चीज़, जो मोजरेला चीज़ होता है ना, उसी को डाल रही हूँ। पिज़्ज़ा चीज़ जो होता है उसी, वही चीज़ को मैंने ग्रेट कर लिया है, और इस तरह से मैं आधे हिस्सों में लगाऊंगी, क्योंकि और आधा जो है लाके इसको कवर करना है। तो अगर पूरा कवर कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा, तो अभी हम आधे हिस्से में डाल देते हैं चीज़, जितना भर भर के मैं चीज़ डाल रही हूँ ताकि खाने में टेस्टी लगे। तो अभी दूसरे साइड वाला पार्ट को इस तरह से लाके इस साइड से इस तरह से जॉइंट करना है। आप हाथ की मदद से हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे ताकि ये खुले ना और ये स्टिक हो जाए इसके साथ। अगर आपको जैसे हम समोसा बनाते हैं ना, पानी की थोड़ा यूज़ करके हम उसके साइड्स कवर अप करते हैं, इसके साइड्स ऐसे जॉइंट करते हैं, तो आप यहाँ पर पानी थोड़ा यूज़ करके भी इसके साइड्स को जॉइंट कर सकते हो, पर साइड को इस तरह हल्के हाथों से भी प्रेस कर सकते हो, क्योंकि वरना अगर हम जब डालेंगे ये थोड़ा पक जाएगा तो ये खुल जाएगा। तो आप पानी का यूज़ कर लीजिए या फिर हल्के हाथों से इस तरह से अच्छे से प्रेस करके जॉइंट कर लीजिए। अभी हम इसके ऊपर डाल देंगे वो गार्लिक बटर जो अंदर यूज़ किए थे, उसी को हम बाहर डाल के अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे पूरे ऊपर। इस तरह से चारों तरफ बटर लगाना है, और फिर ऊपर हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दे रहे हैं। और अगर आप चीज़ के साथ स्वीट कॉर्न भी डालना चाहते हो तो स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हो, वो काफ़ी अच्छा लगता है। थोड़ी जो बॉइल्ड वाले स्वीट कॉर्न वो आप डाल सकते हो चीज़ के साथ, वो बहुत अच्छी लगती है, पर मेरे पास नहीं था तो मैं यहाँ पर नहीं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास होगा तो आप यूज़ कर लीजिएगा, काफ़ी टेस्टी लगती है स्वीट कॉर्न की वजह से। और अभी मैं इसके ऊपर डालूँ पेरी पेरी पाउडर, जो काफ़ी टेस्टी होता है, थोड़ी तिखी होती है पर इसकी टेस्ट लाजवाब होता है। अगर आपको पेरी पेरी पाउडर मिल रहा है तो आप डाल लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो कोई ना, आप इग्नोर कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, पर अगर आपके पास पेरी पेरी मसाला है, पेरी पेरी पाउडर है, तो आप ऊपर डाल दीजिए, काफ़ी सुंदर लगता है। और हाँ, जिन्होंने मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हो वो प्लीज़ ज़रूर से एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, और हो सके तो किसी के साथ शेयर कर लीजिए। थोड़ी मेहनत लगती है आप लोगों को दिखाने के लिए, प्लीज़ आप लोग अगर एक लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बहुत अच्छी लगेगी, और मुझे मन भी करेगा कि मैं कुछ नई नई चीज़ें आपके सामने ला पाऊँ। तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं अभी पेरी पेरी मसाला जो है उसके पूरे ऊपर ही डाल दे रही हूँ, और इससे इसकी टेस्ट बहुत अच्छी आती है, सच बता रही हूँ। और खाने में भी पूरा जब बन जाएगा हमारा ब्रेड तो बिल्कुल डोमिनोज वाली स्मेल आएगी इससे, अब जब खाओगे तो वही टेस्ट वही स्मेल आएगी। अभी हम एक नाइफ की मदद से ऊपर से इस तरह से कट कर लेंगे, पूरे ज़ोर से कट नहीं करना है, टुकड़ा टुकड़ा नहीं करना है, बस ऐसे मार देना है, और जब ये पक जाएगा तब हम इसको उसी मार्क से काट कर सर्व कर सकते हैं। तभी मैंने निशान लगा दिया है। अभी हम इसको एक इस तरह से स्टील वाली प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे, और फिर हमारा जो प्री हीटेड ओवन है, कढ़ाई वाला ओवन, उसकी ढक्कन हटाएंगे और फिर इसको प्लेस कर देंगे इस तरह से, और इसको प्लेस करने के बाद अभी हम ढक्कन लगा देंगे और 15 मिनट के लिए वेट करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, वरना ये बहुत स्टिप हो जाता है, बहुत हार्ड बन जाता है। तो अभी 15 मिनट हो गया है, देखिए काफ़ी अच्छे से फूल गया है, और इसकी जो कलर है वो बहुत अच्छी दिख रही है, बिल्कुल डोमिनोज वाली लग रही है, लग रही रहा है कि घर पर हम बनाए हैं। अभी इसको प्लेट में ट्रांसफ़र करते हैं जिससे कि थोड़ा अच्छा सुंदर दिखे।
बहुत अच्छी तरह से फूल गया है, फ्लफी हो गया है और काफ़ी सॉफ्ट भी है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि बहुत सॉफ्ट है। और इसके ऊपर ना अभी प्लेट में डालने के बाद थोड़ी सी बटर जो है वो हल्के से लगा लेंगे ताकि ये और सॉफ्ट बन जाए। जब गर्मा गर्म बटर लगाते हैं ना तो ये काफ़ी सॉफ्ट बन जाता है। तो इसके ऊपर में थोड़ी सी बटर बची थी उसको लगा लेंगे, वो ब्रश बोली थी ना, ब्रश से या फिर हाथ से इस तरह से लगा लिए हैं। अभी ये जो कट मार्क्स है उस कट मार्क पे हम कट करके खाएंगे। देखिए ये बहुत गर्म है, हाथ से नहीं कटेगा और ये गर्मा गर्मी अच्छी लगती है, पर देखिए नीचे से ये लगा हुआ है और बहुत गर्म है, तो मैंने ऐसे छुरी से काटा है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल चीज़ बाहर आ रहा है। देखिए ये बहुत गर्म था, देखिए मैं उंगली चेंज करके ऐसे इसे प्रेस कर रही हूँ क्योंकि सच में ये बहुत गर्म था और ऊपर बटर भी था ना, वो हाथ पे स्टिक हो रहा था, चिपक रहा था तो जल रहा था। तो अभी देख रहे हो चीज़ बाहर आ रहा है, इसके टेस्ट लाजवाब है। आप लोग ज़रूर से घर में एक बार तो पक्का ट्राई करिए। देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये कितनी सॉफ्ट है, बिल्कुल भी ये क्रिस्पी नहीं है। क्रिस्पी होता तो मैं ऐसे इसको जब ऐसे की ना ये टूट जाता, पर मैं इसको ऐसे टर्न की और देखिए बिल्कुल ही। देखिए मैं खा के भी आपको दिखाऊंगी अभी की कितनी अच्छी बनी है। आप लोग प्लीज़ ज़रूर से एक बार ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको बार बार बनाइए। आई होप कि आप सब लोगों को पसंद आया और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब करते चलिए।